लेकिन फिर मुझे खुद अपने ख्याल पर हंसी आ गई। फरजान कुछ था और मैं कुछ, और फिर मुझे कौन सी किसी जंगली लड़की से शादी करना थी। बेकार ख्याल, फजूल, अहमकाना। तो ये कहानी है सरफराज, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? नवाब साहब ने पूछा, किस सिलसिले में? मेरा मतलब है ये मुहिम कैसी रहेगी। बेहद शानदार नवाब साहब, मेरा भी यही ख्याल है। अगर हम नैतिका तक पहुंचने की कोशिश में कामयाब हो गए तो बड़ी कामयाब मुहिम रहेगी। हर लिहाज से हम बेपनाह दौलत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नैतिका के असरार बेहद दिलकश होंगे। फिर फरजान का मामला, मेरा ख्याल है ये कहानी और दिलचस्प हो जाएगी। मुनासिब फरमाया नवाब साहब आपने, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है मियाँ? सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे क्यों एतराज़ होता? इस बारे में कुछ मशवरे, आप जैसे तजुर्बेकार लोगों के सामने भला मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? ये इनकसारी नहीं, एक हकीकत है जिससे आप वाकिफ हैं। बहरहाल, इस मुहिम में तुम्हारी शमूलियत से मेरा हौसला बढ़ गया है। मैं बेहद खुश हूँ, और ख़ास तौर से अब इस शक्ल में कि कौसर तुम्हारी इज्जत करने लगी है। कौसर बीवी की किसी भी बात की कोई जिम्मेदारी आप कबूल ना करें नवाब साहब। भाई, तुम बार बार कह चुके हो, लेकिन बहरहाल मैं अब खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। फरजान की कहानी ने दर हकीकत मुझे बहुत मुतासर किया था। उसके सारे वाक़यात मेरी ज़िंदगी से मिलते जुलते थे, लेकिन अंजाम लाख में ख़ुद को अहमक साबित करने की कोशिश कर रहा था। लाख में सोच रहा था कि तोहमात ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं, लेकिन फिर फरजान जहन के गोशों से निकल नहीं रहा था। ये कैफियत ना जाने कब तक तारी रही। बहरहाल, सफ़र जारी था और हम अफ्रीका से करीब होते जा रहे थे। जहाज़ पर दूसरे लोग भी थे, खुद मेरे साथियों में जवान लड़कियां और जवान लड़के मौजूद थे। मुमकिन है वो एक दूसरे से मुतासिर थे या नहीं, लेकिन खुद मेरे लिए एक दिलचस्प मशगला मौजूद था। गो मैं उससे बचना चाहता था, लेकिन फिर भी। दूसरे दिन सुबह मैं यूं ही तन्हा एक जगह खड़ा था कि मिस मरीसा फिर नमूदार हो गई। आज उनके हमरा प्रोफेसर हेगले की बेटी मोना भी थी। हेलो सरफराज, और ना जाने क्यों मेरे जहन में शरारत रेंग आई। हेलो मरीसा, मैंने नहायत प्यार भरे लहजे में कहा, कैसे हो? तुम्हारी खुशबुएं फिजा में रची हैं, अच्छा ही होगा। मरीसा चौंक पड़ी, वो मुझे घूरती रही। फिर उसने मोना की तरफ देखा, उसकी निगाहों में भी मुस्कुराहट थी। वो अजीब सी निगाहों से मरीसा को देख रही थी। आज मूड बहुत अच्छा मालूम होता है तुम्हारा। मैं तो हमेशा से ठीक रहता हूँ मिस मरीसा, क्या आपको कभी कोई शिकायत हुई? नहीं, मेरा मतलब है, मरीसा झूठ बोल रही है मिस्टर फरजान, इसने मुझसे आपके बारे में ना जाने क्या क्या कहा है। क्या कहा है मिस मोना, बराए करम मुझे बताएं। मोना प्लीज़, लेकिन तुम तो छोड़ो, दूसरी बातें करते हैं, लेकिन तुम तो मुझे इनसे मिलवाने लेकर आई थी। हाँ लाई थी, मगर तुम शरारत पर आमादा हो। चलो मिस्टर फरजान, प्लीज़ मैं अभी वापस आती हूँ, मरीसा ने कहा और मोना को खींचती हुई एक तरफ ले गई। मेरे पेट में कहकहे मचल रहे थे। यकीनन मरीसा ने मोना को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा, और वो अच्छे अल्फाज ना होंगे, लेकिन इस वक्त मेरे रवैये से उसे कुछ उम्मीद बन गई, और अब वो उसको इसलिए खींच कर ले गई कि मोना मेरा मूड ना ख़राब कर दे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो फिर आन मौजूद हुई। बड़ी शरीर है ये मोना, बस फजूल बकवास करती रहती है। मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता मिस मरीसा, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे मेरे ऊपर क्या असर पड़ सकता है? मैंने सर्द लहजे में कहा। यकीनन, क्या सोच रहे हो सरफराज? क्यों, मेरी सोच पर कोई पाबंदी है क्या? तुम कब तक मुझे नहीं समझोगे सरफराज? बराए करम दूर हटकर खड़ी हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। गुलाम हूँ आपका, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जिस वक्त जी चाहेगा वैसी गुफ्तगू करूँगा। तुम पर फिर दौरा पड़ा है? हाँ दौरा पड़ा है, मैं फाड़ खाऊंगा, उठाकर समंदर में फेंक दूंगा तुम्हें। तुम बहुत बदतमीज हो। शट अप। मैं धाड़ा, मैं देख रहा था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। जलील हो तुम, कमीने कहीं के। गेट आउट। मैं इस तरह झुका जैसे मरीसा को उठाना चाहता हूँ,
और वो उछलकर भाग निकली। ऐसी भागी कि उसने पलट के भी ना देखा। बहरहाल दोपहर के बाद कौसर खातून मुझे मिली, वही बदलाव अंदाज जो मुझे पसंद ना था। सरफराज साहब, कौसर बीबी, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? अरे क्या हुआ? आप मुझसे तखादुब का अंदाज़ बदल दें। क्यों? इसलिए कि अब आप वो नहीं रहे जो बन गए थे। बन गए थे? हाँ, काश मेरी मोटी अकल में कुछ आ सकता। मेरा जी चाह रहा है कि आपसे बहुत सी बातें करूं। तो करें ना, लेकिन एक शर्त पर। आप हुक्म दें। मुझे आप इस अंदाज में कौसर बीवी नहीं कहेंगे। फिर? सिर्फ कौसर कहेंगे। एक शर्त पर कौसर बीवी। फिर वही? हाँ, इसलिए कि अभी तक हमारे दरमियान मामला तय नहीं पाए। अच्छा, फरमाइए। शुक्रिया कौसर बीवी। तो पहला सवाल, आपने जिस वक्त मुझे पहली बार बहसियत ड्राइवर देखा था तो आपके जहन में क्या तासुरात थे? सरफराज साहब, वादे के तहत पूछ रहा हूँ। वादा करें आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। अच्छा बोलें। आप शक्ल सूरत से ड्राइवर नहीं लगते थे। अच्छा फिर? जब मुझे यकीन हो गया कि आप ड्राइवर ही हैं तो मैंने आपके बारे में सोचा कि आप निकम्मे हैं। मुमकिन है बचपन से कामचोर रहे हों, स्कूल से भागते रहे हों और तालीम हासिल ना कर सके हों। मुझे आप पर गुस्सा आया कि आपने तालीम हासिल क्यों नहीं की, इतनी अच्छी शक्ल सूरत को मस्त क्यों करके रख दिया। तब मैंने सजा के तौर पर आपको वर्दी पहनवाई। बाद में भी आपकी शक्ल देखती थी जब भी, तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। फिर? उस रोज़ मैंने इंसानियत से गिरी हुई हरकत की जिस पर मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। किस रोज़? पिकनिक पर मैंने आपको खाने के सिलसिले में। चल के जाने दें। नहीं, पहले आप माफ़ कर दें। आप मुझे सिर्फ अपना गुलाम रहने दें, मुझसे उसी अंदाज में गुफ्तगू करें। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं ना, आप इत्मीनान रखें, आपका राज राज़ ही रहेगा। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगी। मिस कौसर, मेरी दरख्वास्त है कि मुझसे इज्तनाब करें, मुझसे नफ़रत करती रहें आप। नफ़रत या मोहब्बत के जज्बे इंसान के अपने बस में नहीं होते। मैं ख्वाब नहीं देख सकता कौसर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ख्वाब जद्दोजहद की राह दिखाते हैं, अमल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। नहीं कौसर बीवी, मेरी राहें बेहद दुशवार गुजार हैं। मैं आपसे माजरत खा हूँ, मैं आपकी मेहरबानियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरफराज साहब, मैं आप पर अपना इल्तिफात मुसलत नहीं करी, मैं सिर्फ अपने रवैये पर शर्मसार थी। अगर ये बात है कौसर साहिबा, तो आप मुझे हमेशा अपना मुखलिस दोस्त पाएंगी। शुक्रिया, कौसर ने खुश्क लहजे में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई। मैं उसे दूर तक जाते देखता रहा। मैं उससे क्या कहूँ, दीवानी लड़की, फजूल हिमाकतों में पड़ी है। नहीं नहीं, किसी से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कौसर तो नवाब साहब की लड़की है, मेरे मालिक, मेरे मोहसिन, उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस तरह? बिलाखिर एक तरकीब मेरी समझ में आ गई। दिल गवारा नहीं करता था, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसी रात मैंने खूबसूरत सूट पहना, परफ्यूम लगाया, बाल सवारे, अच्छी तरह तैयार हुआ। मेरा रुख मेरीसा के केबिन की तरफ था। मिस्टर डिक्सन, मैंने केबिन पर आवाज़ लगाई। मैं जानता था कि मिस्टर डिक्सन इस केबिन में नहीं होंगे, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था। मेरीसा जल्दी से दरवाजे पर आ गई। कर्नल यहाँ है मेरीसा? नहीं। ओह, कहाँ का है कर्नल? तब मेरीसा ने मुझे आवाज़ दी। मिस्टर सरफराज जी, मेरे साथ एक कप चाय नहीं पियेंगे? बाहर की फिज़ा बहुत खुशगवार है मिस मेरीसा, यहाँ कैबिन में आप चाय पिलाएंगी? ओह, तो चले रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। एक शर्त पर। बताइए। आप अपना खूबसूरत तरीन लिबास पहनेंगी, खूबसूरत सा मेकअप करेंगी और मेरे साथ रक्स करेंगी। बस मैं चंद मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मेरीसा बदहवासी से अंदर दौड़ गई, मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। यही मुनासिब था, कौसर की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ था, और हिफाजत करने का जो तरीका मेरी समझ में आया था वो यही था। मैं मस्त अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मेरीसा आ गई और बिलाशुबा मैं उसे देखता रह गया। मेरीसा यूँ भी काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त उसने क़यामत ढाई थी। आसमानी रंग के टखनों तक के जापानी स्टाइल के लिबास ने उसे कुछ से कुछ बना दिया था। उसके जिस्मानी नक्कूश बेहद दिलकश थे, लेकिन मैंने पहले
एक बार भी उन पर गौर नहीं किया था। रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई। मैंने मरीसा से दरख्वास्त की। हम दोनों चौबी फर्श पर हिचकोले लेने लगे। सरफराज, मरीसा मेरे सीने से लपटने की कोशिश करने लगी। तुम्हारे अंदर ये खुशगवार तब्दीली कैसे आ गई? बस आ गई। थोड़ी देर बाद हम अपनी मेज़ पर वापस आ गए। मुझे इजाज़त। अरे क्यों? मैं थक गया हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, फिर आओ, खुली हवा में चलकर खड़े हों, मरीसा जल्दी से बोली। लेकिन मुझे अब बोरियत हो रही थी। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कौसर हमें देख ले, मेरी तरफ से उसके दिल में फिर नफरत पैदा हो जाए, वो मुझसे मुतासर ना हो। इसीलिए मैंने ये खेल खेला था। मैं बाहर निकल आया, लेकिन अचानक मैं खुश हो गया। दूर से मैंने कौसर की झलक देख ली थी। मैं उसकी तरफ से अनजान बन गया और फिर मैंने मरीसा के बाजू में बाजू डाला और अर्शे की तरफ चल पड़ा। हमारी रफ्तार सुस्त थी। शदीद ख्वाहिश थी कि कौसर हमें देख ले। अचानक ही मेरा मूड खुशगवार हो गया था। मैं बात बात पर कह कह लगाने लगा। तब मैंने एहतियात से उस सिम देखा जहाँ कौसर की झलक नज़र आई थी और फिर मैंने एक ठंडी सांस ली। कौसर अपनी जगह साकित खड़ी थी। ये हैरत है, मैंने सोचा, और उसके बाद नफरत शुरू हो गई। हाँ कौसर, तुम जो कुछ भी हो, मगरूर, नकचड़ी, बददिमाग, लेकिन एक ऐसे शख्स की बेटी हो जो बेहद नफीस इंसान है, और मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। काफ़ी देर तक मैं मरीसा के साथ रहा। वो बहुत खुश थी। फिर मेरी वापसी हुई। मरीसा ने दूसरे दिन भी मुझसे मुलाकात का वादा किया। अपने कैबिन के नज़दीक पहुंचकर मरीसा ने मुझे अंदर आने की दावत दी। नहीं मरीसा, मैं लिबास तब्दील करके आराम करूँगा। थकन महसूस कर रहे हो? यूँ ही समझ लो, मेरे ही कैबिन में आराम कर लो ना सरफराज। शुक्रिया, ये मुमकिन नहीं। अरे सुनो तो सरफराज, तुमने शायद मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। ऐसी कोई बात नहीं मिस मरीसा, अब आप भी आराम करें। मैं वापस अपने कैबिन में आ गया। अभी रात की इब्तिदा हुई थी। इसी वक्त से कैबिन में घुस रहना अजीब लग रहा था। खाना वगैरह भी नहीं खाया था। चनाचा मैंने लिबास तब्दील किया और बाल वगैरह दुरुस्त करके बाहर निकल आया। लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही मैं ठिटक गया। कौसर दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ी थी, उदास, खामोश सी। मुझे देखकर वो संभल के मुस्कुराने लगी। अरे कौसर साहबा, आप? अब्बू बुला रहे हैं आपको। अभी अभी आई हूँ मैं। तो आपने दस्तक क्यों नहीं दी? बस देने ही वाली थी। अच्छा आइए, क्या कर रहे हैं नवाब साहब? शतरंज फैलाए बैठे हैं, कौसर ने धीमे लहजे में कहा। मेरा तो ख्याल था कि वो आतिशपा हो चुकी होगी। थोड़ी देर बाद हम नवाब साहब के कैबिन में दाखिल हुए। अरे भाई इतनी देर? 15 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो तो कर्नल डिक्सन ने मेरी क्या हालत बना रखी है। बताओ अब मैं क्या करूँ? कमाल है नवाब साहब, ये पैदल आगे बढ़ा दें, खतरा टल जाएगा, मैंने बिसात देख कर कहा और ख़ुद नवाब साहब का एक पैदल आगे बढ़ा दिया। लोगों के मुँह हैरत से खुले के खुले रह गए। कमाल है, वाकई कमाल है, कर्नल डिक्सन बोला। ये आदमी है या जादूगर? चलो कर्नल डिक्सन, अब चलो, देखी पैदल की चाल। नवाब साहब बच्चों की तरह खुश हो गए। साहबजादे, तुमने ना सिर्फ नवाब के बच्चे को खतरे से निकाल दिया, बल्कि मुझे एक मुसीबत में फंसा दिया है, कर्नल डिक्सन ने कहा। शतरंज का जादूगर है ये। मेरा तो ख्याल है भाई ये बाजी ख़त्म कर दी जाए, अजीब सूरत हाल हो गई है। चलो तुम मुसीबत में फंस गए तो मैं माने लेता हूँ, हालांकि तुम्हारी शिकस्त की एक किस्म है ये। बहरहाल चूँकि चाल मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे जारी रखने पर इसरार नहीं करूँगा। तमाम लोग दिलचस्प निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। ख़ास तौर से कर्नल डिक्सन मुझसे बहुत मुतासर हुआ था। बैठो सरफराज, यूँ भी तुम मुझे हमेशा एक पुरस्कार नौजवान लगे हो, क्या पियोगे? कुछ नहीं जी, शुक्रिया। तो मुझे इजाज़त है नवाब साहब, मैंने कहा। भाई तारीफ़ों से ये घबरा जाता है, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे लोग हंसने लगे। मैं खड़ा हो गया। नवाब साहब बोले, खतरा टल रहा है डिक्सन, लगाओगे दूसरी बाजी? हाँ हाँ, तुमसे तो मैं हर वक्त खेलने को तैयार हूँ, कर्नल डिक्सन ने कहा। मैं इजाज़त लेकर बाहर निकल आया। दरवाजे से निकलते हुए मैंने कौसर की आवाज़ सुनी। मैं भी जा रही हूँ अब्बू।
फिर वो मेरे अकब में निकल आई। इखलाकन मुझे रुकना पड़ा। आइए कौसर, कहीं जा तो नहीं रही थी आप? नहीं। नवाब साहब शतरंज में फंस गए, ना जाने कब तक बाजी जमी रहेगी। जब तक मैं बिसात ना छीन लूँ उनसे। मैं हंसने लगा। हम दोनों अरशे पर पहुंच गए। कौसर साहब जी, क्या सोच रही हैं आप? मुझे फरेब देने की कोशिश में खुद को फरेब देने लगे हैं जी। हाँ सरफराज साहब, बराए मेहरबानी मुझे फरेब देने की कोशिश में खुद को ना गिराइए। प्लीज़ ज़रा साफ अल्फाज में कहिए। मेरा ईमान है कि आप एक नेक इंसान हैं। ओ, मेरी सा जैसी लड़कियाँ आपको गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दें, अब आप सिर्फ मुझे गलत रास्ते पर डालने के लिए इन औरतों की कुर्बत हासिल कर रहे हैं। झूठ ना बोलिएगा सरफराज साहब। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई, मेरा हौसला लड़खड़ा गया। मैं खामोश खड़ा कौसर की शक्ल देखता रहा। उसकी निगाहों में एक फातिहाना चमक उभर आई। मैं दावे करने की आदी नहीं हूँ सरफराज साहब, मैंने बात बड़े भरोसे से कही है। मिस कौसर जी, मैं सुन रही हूँ, बर्दाश्त कर सकेंगी? हाँ। मिस कौसर आइए, मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊँ, एक ऐसे शख्स की कहानी जो ऐसे अफराद में घिरा हुआ था जो दौलत से खेलते थे, जो दौलत को बहुत अहमियत देते थे। वो भी उनमें से एक थे। दौलत की रेल पेल थी, नौकरों की फौज, आला ज़िंदगी, ये सब कुछ उसे बुरा नहीं लगता था। बस बुरे लगते थे जो दौलत को खुदा समझते थे। कभी उन लोगों से उसकी नहीं बनी, तब उन सब ने मिलकर उसके ख़िलाफ़ साजिश की। वो उसके हिस्से को हज़म नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो भी उनके साथ मस्नूई बातों में शरीक हो, उन्हीं के अंदाज में सोचना शुरू कर दे। उसने उनकी सोच पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन वो अपने ऊपर कोई तसल्लुत नहीं चाहता था। उसने तो अपनी दुनिया ही अलग कर ली थी। मस्नूयत से दूर की ज़िंदगी उसे पसंद थी, लेकिन साजिश करने वालों को उसकी यादा पसंद नहीं आई। फिर उसकी बदकिस्मती ने एक और खेल शुरू किया। उसी ख़ानदान की हसीन तरीन लड़की, उसी माहौल की परवरदा, जिसके बहुत से तालिब, बहुत से शहदाई थे, ना जाने क्यों वो उसे चाहने लगी। वो जो उसका तलबगार था, जो साहिब इख्तियार था, जो सब कर सकता था, तिल में लाउट था, उस लाओबाली शख्स को उस निकम्मे इंसान ने शिकस्त दे दी। उस शिकस्त को उसका जहन कबूल ना कर सका। भाई ने भाई से साजिश की, भोली लड़की नादानिस्ता उसकी शरीक बन गई। बात उस तक पहुंची जो उन सब पर कंट्रोल रखता था, जिसके इशारों पर जिंदगियां बनती बिगड़ती थीं। उसने अपनी हैसियत, अपना असर इस्तेमाल किया। साजिश करने वाले जानते थे कि नौजवान अपनी फितरत के खिलाफ पसंद न करेगा, और यही उनकी साजिश थी। उसने साफ इनकार कर दिया। उसे उस मासूम लड़की के दिल टूटने का अफसोस था, लेकिन वो खुद पर कोई पाबंदी कबूल नहीं कर सकता था। चनाचा उस पर अताब नाजिल हुआ। उसे हुक्म दिया गया कि उस लड़की से शादी कर लो, वरना सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। और जब शख्सियत टूट जाती है तो ज़िंदगी गलाजत का ढेर के सिवा कुछ नहीं होती। फिर वो उस दुनिया से निकल आया। वो अपनी शख्सियत को आजमाना चाहता था। उसने अपना इम्तिहान लेना शुरू किया। उसने बहुत से इम्तिहान पास भी कर लिए। वो जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, तरह तरह से जलील व ख़्वार हुआ। लेकिन उसके अंदर के इंसान ने कहा कि ये इम्तिहान है। वो जिसके सामने जवानी आई, वो बहक सकता था, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। उसने खुद को कुचल दिया। उसके अंदर के इंसान ने कहा कि ये इम्तिहान है। मिस कौसर, मैं दिल की सारी सुर्खी आपके हवाले कर रहा हूँ। मैंने अपना सीना खोल दिया है। ना जाने क्यों आज दिल चाहा, ना जाने क्यों तुम्हारे लिए चाहा। कौसर, मैं सरफराज हूँ, मैं वही इंसान हूँ। मैं एक इतने दौलतमंद इंसान का बेटा हूँ जो बहुत से नवाबों को उनकी शख्सियत समेत ख़रीद ले। मिस कौसर, मेरे एक इशारे पर सैकड़ों लोग मुतहरिक हो जाते थे, लेकिन मैंने अपनी आन की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपनी आखिरी पूंजी, अपना आखिरी राज भी तुम्हारे हवाले कर दिया कौसर। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। बस मेरी एक दरख्वास्त है, खुदा के लिए मुझे मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ कुछ करने पर मजबूर ना करना। नवाब साहब मेरे मुशफ़िक़ हैं। अगर वो सिर्फ़ एक नवाब होते, अगर वो सिर्फ़ एक आका होते, तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती। उनकी पेशानी की एक शिकन जो मेरी वजह से पड़ी हो, मेरी कब्र होगी। मैं उस दिन ख़ुदकुशी कर लूँगा। बोलो कौसर, तुम मुझे चाहती हो? जवाब दो, प्यार करती हो मुझसे? मैंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। कौसर,
पत्थर के बुत की मानन साकित थी। तो मुझे चाहती हो कौसर, जवाब दो। ना जाने क्यों मेरी आवाज़ रंग गई और कौसर ने माहौल की परवाह किए बगैर, हालात का अंदाज़ा किए बगैर अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। सरफराज, क्या चाहना गुनाह है? क्या तुम इस तसव्वुर को जहन से नहीं निकाल सकती? नहीं। कौसर, दीवाने मत बनो सरफराज। खबरदार, जो मैंने तुम आइंदा किसी लड़की के साथ देखा अच्छा नहीं होगा। तुमसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन उन लोगों को जलील करके रख दूँगी। ऐसा जलील करूँगी कि याद रखेंगी। कौसर, और सुनो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं एक मशरक़ी लड़की हूँ, अगर तुम मुझे उसकी सज़ा देना चाहो तो वो इतनी सख्त ना होगी जितनी सख्त सज़ा मैं ख़ुद को दे रही हूँ। सुनो सरफराज, मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन अपने पसंदीदा तरीन शख्स के सामने ये कहना पसंद ना करती कि सरफराज मैं तुम्हें चाहती हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे, तुम मेरे आइडियल हो। और सुनो, ये एतमाद इस मंजिल में है कि अगर मेरे लिए कभी किसी रास्ते की ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे रहबर होगे। मैं आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल पड़ूंगी। कौसर ने मुझे छोड़ा और तेज़ी से एक तरफ चल पड़ी। मैं अपनी जगह साकित और जामित खड़ा उसे देखता रहा। कौसर ने मुझे शिकस्त दे दी थी। जहन पर अजीब से एहसासात थे। दरहकीकत मैंने कौसर को खुद से बरगश्ता करने के लिए मरीसा को घास डाली थी, वरना वो मुझे पसंद नहीं थी। बहरहाल, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने कैबिन में लौट आया। रात के इस हिस्से में मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन हालात मामूल पर थे। लड़कियां धूप में एक तरफ खड़ी थीं। कौसर और मरीसा किसी बात पर हंस रही थीं। मैं तैयार होकर बाहर निकला, तब मुझे मालूम हुआ कि जहाज़ बंदरगाह के करीब पहुँच रहा है। गोया हमारी मंजिल आ गई थी। बहुत से सवालात मेरे जहन में कलबला रहे थे। मैं सफ़र के पूरे प्रोग्राम से आगाह होना चाहता था, लेकिन बहरहाल नवाब साहब ने मुझे बहुत मुँह लगा लिया था, लेकिन मैं हदूद से आगे निकलना पसंद नहीं करता था। जहाज़ बंदरगाह से करीब होता जा रहा था और उसके अमले की भागदौड़ जारी थी। बहरहाल वो डेक से जा लगा और मुसाफिरों को उतरने का बंदोबस्त किया जाने लगा। अरे भाई सरफराज मियाँ, आओ चलें, कर्नल के दोस्त आ गए हैं। नवाब साहब करीब आकर बोले, जी चलिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। कौसर पीछे पीछे आ रही थी। एक खूबसूरत से होटल में हमने क़याम किया। होटल में कमरों की पूरी कतार हासिल कर ली गई थी। हम सब कमरों में मुकीम हो गए। नवाब साहब ने खसूसी तौर पर मेरा कमरा अपने पास रखा था। मैं हंसबे मामूल अपने कमरे में तन्हा था और मेरे बाएं जाने कर्नल डिक्सन का कमरा था। कई घंटों तक हम सब अपने अपने कमरों में सफ़र की थकान दूर करते रहे। किसी ने किसी से मिलने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अलबत्ता शाम की चाय होटल के डाइनिंग हॉल में एक साथ पी गई। चाय की ये दावत मिस्टर जोस्वानो की तरफ से थी, जो मकामी थे और कर्नल के बिजनेस पार्टनर भी। बड़ा ही खुश अखलाक इंसान था। उसी ने हमारे लिए उस होटल में बंदोबस्त किया था। इससे कबल उसने अपने मकान में ठहरने की पेशकश की थी, लेकिन कर्नल ने उससे माजरत कर ली थी। बहरहाल जोस्वानो की चाय की दावत खूब थी। मकामी लोग सयाहों की उस शानदार पार्टी को दिलचस्प निगाहों से देख रहे थे। चाय की दावत ख़त्म हुई तो सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने भी ऊपर का रुख किया। कौसर को अलविदा कहा। वो नवाब साहब के कमरे में दाखिल हो गई। तब मैं भी अंदर पहुंच गया और एक कुर्सी अकबी खिड़की के करीब खिसकाकर उस पर दराज हो गई। यहाँ से बाहर के मनाजर साफ नज़र आते थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कौसर थी। आइए, आपको अबू जान बुला रहे हैं। चलिए। मैं उसके साथ बाहर निकला। फिर हम दोनों नवाब साहब के कमरे में दाखिल हो गए। वो एक आराम कुर्सी पर दराज सिगार पी रहे थे। मुझे देखकर संभल गए। आओ मियाँ, बैठो। तुम भी बैठो कौसर। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कुछ तजुर्बात हासिल किए। इनके तहत कह रहा हूँ, मुझे सरफराज पर इस तरह एतमाद है जैसे अपनी ज़ात पर। इसकी वजाहत मैंने ज़रूरी समझी ताकि ये हसास नौजवान किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। और इसके साथ ही सरफराज एक नसीहत भी करना चाहता हूँ। जी, उस वक्त तक जब तक हीरों का कोई बड़ा ज़खीरा हमारे हाथ ना लग जाए, तुम इन सब पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो। और जब हीरे हमारे दरमियान आ जाएं, तो एक एक से चौकन्ना रहना। इंसानी फितरत का अंदाज़ा तो तुम इसी बात से कर लो। मैं इनका दोस्त होने का दावा करता रहा हूँ। मुमकिन है इनमें से किसी के दिल में बुराई ना आए, लेकिन मैं उनके बारे में बुरे से बुरे अंदाज में सोच रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ नवाब साहब।
इस पूरी मुहिम में तुम्हारा किरदार एक अनोखा किरदार रहेगा। बज़ाहिर में खसूसी तौर पर तुम्हें मंजरेआम पर नहीं लाऊंगा ताकि लोग ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो ना हो और तुमसे ख़तरा महसूस ना करने लगें, लेकिन तुम अपने तौर पर पूरी तरह तैयार रहोगे। हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है, किसी ज़रूरत पर तुम अपनी सलाहियतें आजमा सकते हो। जी, बस इस वक्त इसलिए तकलीफ़ दी थी, जोसफानो डिक्सन का बिज़नेस पार्टनर है, मुमकिन है कल तक या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक वो हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर देगा और फिर हम अफ्रीका के पुरस्टार खित्तों की तरफ निकल पड़ेंगे। क्या सियाफा मज़दूरों को भी भर्ती किया जाएगा? मेरा ख्याल है इस बार इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मर्दों की तादाद काफ़ी है। बहरहाल तुम्हारी राय क्या है? नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा था। जैसे भी हालात हुए कर्नल से मशवरा कर लिया जाएगा। जी, मैंने गर्दन हिला दी। उसके बाद भी हम दोनों काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। कौसर ने इस दौरान चाय मंगवा ली थी, उसने चाय बनाकर सबको पेश की। उसके बाद मैं नवाब साहब के पास से उठ गया। रात का खाना भी डाइनिंग हॉल में खाया गया। फिर नवाब साहब के कमरे में कर्नल डिक्सन के साथ शतरंज की कई बाजियां जमीं। कौसर भी वहीं मौजूद थी। कर्नल डिक्सन की बेबसी पर वो बेहद मसरूर थी। आखिर में खुद कर्नल ने ये कहकर बिसात उलट दी, भाई ये शख्स तो शतरंज का जादूगर मालूम देता है, इसकी चालें समझ में नहीं आती। मैं इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गया। दूसरी सुबह हसबे मामूल थी, ज़रूरियात से फारिग हुआ और बाहर निकल आया। किसी ने भी डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ता करने की हामी नहीं भरी, इसलिए कर्नल डिक्सन के कमरे को डाइनिंग हॉल बना लिया गया और नहायत बेतरतीबी से नाश्ता होने लगा। लेकिन उस बेतरतीबी में भी बड़ी दिलकशी थी। नाश्ते के बाद दिन भर के प्रोग्राम बनाए गए और उस वक्त तक सैर व तफरी की ठानी गई जब तक के जोसफानों को इत्तला ना दे दे। कौसर नवाब साहब से इजाज़त लेकर मेरे साथ घूमने के लिए निकल आई। मैंने दूर खड़ी टैक्सी को इशारा किया, वो स्टार्ट होकर नज़दीक आई और मैं कौसर के साथ अंदर बैठ गया। ड्राइवर, हमें यहाँ के अच्छे अच्छे मकाम की सैर कराओ, मैंने इंग्लिश में कहा और सिया फार्म ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमने पुरस्कार खंडरात देखे और काफ़ी देर तक उनकी सैर करते रहे, फिर वहाँ से निकल आए। ड्राइवर के रहम करम पर वो जहाँ जहाँ घुमाता रहा हम घूमते रहे। दोपहर को उसने हमें एक रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। रेस्टोरेंट में अनोखी तर्ज का खाना खाने के बाद हमने कॉफ़ी पी और फिर मैंने कौसर से पूछा, क्या ख्याल है वापस चलें? ठीक है, आराम करेंगे, बहुत कुछ देख लिया। रेस्टोरेंट से बाहर आकर हमने फिर टैक्सी ली और चल पड़े। थोड़ी देर बाद हम होटल पहुंच गए। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। दिन भर की आवारगी के बाद कुछ थकन सी हो गई थी। मैंने लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गया। यहाँ तक कि शाम हो गई। मैं कमरे से बाहर आया तो नवाब साहब नजर आए। बड़ा अच्छा हुआ तुम तैयार हो। जी, मैं समझा नहीं। तुम्हें कौसर ने नहीं बताया? क्या कमाल की लड़की है, मेरा ख्याल था उसने तुम्हें बता दिया होगा। क्या नवाब साहब? भाई जोसफानो आया था। जी, रात का खाना उसके घर है, वादा कर लिया है, वो सबका इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर बाद तमाम लोग तैयार होकर बाहर निकल आए। जोसफानो ने एक बस भेज दी थी जो हम सबको लेकर चल पड़ी। उसकी कोठी खूबसूरत पहाड़ी पर थी जिसके चारों तरफ सरसब्ज मैदान थे। एक तरफ बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ था। हम कोठी के फाटक से अंदर दाखिल हुए। यहाँ मिस्टर जोसफानो, मिसेस जोसफानो और उनके कई अदद बच्चे हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बहरहाल बड़ी पुरतकल्लुफ दावत दी गई जिसके बाद कहवा पिया गया। लुत्फ़ की बात यह थी कि शराब का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, जिसके बारे में मालूम हुआ कि पीने वाले एक दूसरे रूम में पी सकते हैं और यह सिर्फ नवाब फिरोजुद्दीन के एहतराम में किया गया था क्योंकि सब जानते थे कि नवाब साहब नहीं पीते। उसके बाद सब लोग उस वसी कोठी के अकब में निकल आए। यहाँ के इंतजाम देखकर मैंने पलके झपकाई। दो बड़े ट्रॉलर और तीन लैंड रोवर जीप थी, बिल्कुल नई। एक छोटी सी बास्केट वैन थी, बंदूकें थी, कारतूस थे, कुल्हाड़ी, चाकू, गर्ज एक अजीबोशान मुहिम के सारे लवाजमात मौजूद थे। ट्रॉलर में किचन था, गैस के बहुत बड़े सिलेंडर फिक्स थे और अलमारियों में खाने के खुश्क सामान के डब्बे वाफिर मकदार में चुने हुए थे। खैमे भी थे, गर्ज ये कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वंडरफुल जोसफानो, तुमने तो बड़े ज़बरदस्त इंतजाम कर डाले हैं, कर्नल डिक्सन ने तारीफी लहजे में कहा। दो बास्केट्स और मंगवाई हैं, सुबह को पहुंच जाएंगी। उसके अलावा मैंने चार आदमियों का बंदोबस्त किया है जो बेहतरीन गाइड होंगे, बेहतरीन लड़ाके होंगे और आला पाए के खाने पकाने वाले। ओह जोसफानो,
बिलाशुबह यह हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा है, डिक्सन ने कहा। सफ़र का लुत्फ आ जाएगा मिस्टर डिक्सन, मेरी ख्वाहिश है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल डिक्सन ने कहा। बहरहाल तय हो गया कि दूसरे दिन हम अफ्रीका के पुरस्रार जंगलात में दाखिल हो जाएंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो ही चुकी थीं। रात गए, होटल हम वापस आ गए। यहाँ पर कॉफ़ी के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें मज़ीद उमूर तय किए गए और फिर सोने की तैयारियां होने लगीं। दूसरे दिन सुबह ही सुबह सब लोग जागकर 9 बजे नाश्ते से फरागत हो गई। ख़ास बात यह थी कि कौसर नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के लिए दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ और उसके बाद मैं पुरसकून हो गया।